याद रखा जा सकता है। कभी भी ऐसा मौका है कि फौज और कौम आमने सामने खड़े हों तो उसको आप खुशगवार लम्हा नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान का ही मौका होगा। जब पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का मौका था। जब सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का और योम स्याह था वो भी। और इसी तरीके से 9 मई जब GHQ ISI ऑफिसेज या कोर कमांडर के घर या एयरबेस अटैक हो रही हो तो वो भी योम स्याह ही है, ये सारे योम स्याह। लेकिन कभी हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारी किन पॉलिसियों की वजह से, किन हरकतों की वजह से कभी पार्लियामान पे चढ़ाई होती है, कभी PTV स्टेशन के ऊपर हमला होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में स्टॉर्मिंग होती है, मार्शल लॉ चार लगे हैं। वो योम स्याह हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए थे, वो दुरुस्त फाक्या तो नहीं है। योम स्याह उन सारे मार्शल लॉ का भी मनाना चाहिए, जब वो PTV स्टेशन की दीवारें फ्लांग के या 2 जीपें आती हैं वज़ीर आज़म को पकड़ने के लिए, वो भी योम स्याह होता है। तो क्या हमें इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अफसोस के साथ हम इससे सीख नहीं रहे हैं। सब लीडिंग पॉलिटिशियन इंतज़ार करते हैं कि कब उनको वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पाकिस्तानी सियासत उससे काफ़ी मिलती जुलती है, इंतज़ार करते हैं कि कब सीढ़ी लगेगी और हम वो ऊपर जाएंगे टॉप की मंजिल के ऊपर। और ऊपर जाते जाते कभी कभी वो सांप काट लेता है आगे से और वो जाके ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब ज़मीन पर गिरते हैं तो फिर जमहूरियत याद आती है और फिर चीखों पुकार करते हैं, लेकिन जब वो सीढ़ी लग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं फिर सारा कुछ जिंदाबाद सा बचा है। यही एक अफसोसनाक लम्हा है जो हमें किसी असूल की पासदारी करने ही नहीं देता। जो ऊपर चढ़ रहा होता है वो तो कहता है ठीक है सारों को अंदर कर दो, मार दो, सिर्फ मुझे हुकूमत मिल रही है, सब अच्छा है। जिसको नीचे गिराया जाता है या गिर जाता है वो चीखों पुकार करता है। पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है? कोई रुल रहा है, किसी को रोटी मिल रही है, भूख अफलास है, कुछ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये एक अफसोसनाक लम्हा है। जमहूरियत के अंदर लोग 20-20, 25-25 साल कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं किसी कॉज की खातर। यहाँ कॉज कोई नहीं है, यहाँ मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। आज आर्मी चीफ ने 9 मई की तो असद से ही एक बयान भी उनका भी हमारे सामने आया, सारा दिन के जो कुछ इवेंट्स थे वो भी उसी हवाले से थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। और पावरफुल तो मैं कह रहा हूँ लेकिन लम्हा फिक्रिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों की जो अक्सरियत थी हमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आई। वो वोट डालने वाले 31% थे या जितने थे, मेजोरिटी 8 फरवरी को इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों की हमें नज़र आई पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर। तो जो इतनी बड़ी डिवीजन हम खड़ी कर लें कि वो ब्रिज ना की जा सके, पूरी कौम तकसीम कर लें, तो वो हमें फर्दर पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है। PTI ने पोलराइजेशन को पैदा करने के लिए खुद बहुत काम किया, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों से तो ये रखी जाती है कि वो उसको कम करने के लिए अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे, कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे जिससे इस गैप को ब्रिज किया जा सके, लोगों को गले लगाया जा सके, नफरत की फ़िज़ा में कमी लाई जा सके। लेकिन मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता। आर्मी चीफ का बयान जो है वो कहता है कि सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन है, तारीख का स्याह बाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा, घिनौने मंसूबा के असल रहनुमा। ये बड़ा गौर तलब है ये जो जुमला है, घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये सुर्ख लकीर अभी इमरान खान के ऊपर डली हुई है, ये हटी नहीं है। तो ये आज आर्मी चीफ का बयान है, ये उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगा रहा है। और मैं इसको भी कहूँगा कि ये खुशायन नहीं है, पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते जितने खुलते जाएँ ना, दरवाजे रास्ता मिलता जाए, मसाइल हल होते जाते हैं। बंद दरवाजे मिलें तो फिर लोग टकरे मारते हैं, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ये मैं दोबारा दोहराता हूँ ये जुमला, घिनौने मनसूबे के असल रहनुमा अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। असल रहनुमा के जराइम में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद है। 9 मई के वरगलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की रोशनी में। तो बाकी किसी जो 80-85 लोग अंदर हैं या किसी और के ऊपर जो मुकदमे हैं उसको अभी और माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बयान दे रहा, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनको शक का फ़ायदा देना था दे दिया था, बाकियों को सज़ा मिलेगी। 9 मई के असल मुजरम को हिसाब देना पड़ेगा, ये रिपीटेडली उनके स्टेटमेंट के अंदर इस चीज़ का तस्करा आ रहा है। जाली खबरों पर, और ये एक और लम्हा फिक्रिया है, जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल टेररिज्म, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो है सोशल मीडिया के ऊपर शरपसंदी की जाए, आर्मी चीफ की फैमिली की, इनकी बेटी की, इनकी एलिया की, उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी गई, उनका ट्रैवल रिकॉर्ड छापा गया, वो जिसने किया वो उसको डिजिटल दहशतगर्दी आप कहें। वो मेरा ख्याल है कि फ़ौज से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड को चुराया था, और फ़ौज से मुंसली की एक शख्स था जिसने उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था। लेकिन बहुत सारे नौजवान होंगे PTI से जिनकी रगबत होगी, वो उल्टा सीधा छापते भी हैं और उल्टी सीधी मीम भी डालते हैं।
हम रोज़ाना पिछले 5 सालों से एक मुश्तरका मीडिया सेल था जिसकी मैं कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ। उसके अंदर अस्करी पसंदों को जिन्होंने तरबियत दी थी उनकी भी निशानदेही कर चुका हूँ। वो हमें गालियाँ निकालते थे, फीमेल एंकर्स को ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे कि वो शायद अपने बच्चों से जाते हुए शर्माती होंगी कि हमारे लिए क्या लिखा जा रहा है। उनको तरबियत गाहें भी प्रोवाइड की गई थी सारा कुछ लिखने के लिए, लेकिन उन सारों को पकड़ के दहशतगर्दी क्या है कि अगर हम जेलों में डालेंगे तो तब भी मसला होगा, मसला हल नहीं होगा इससे। जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। और आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तानी जो काबीना है, वफाकी काबीना, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर भी कोई तरमीम कर रही है। तो सोच समझ के काम किया जाए। आज अगर इमरान खान को या पीटीआई के 10 20 50 100 लोगों को डंडे मारने के लिए हम कुछ काम करें तो कल यकीन रखें शहबाज शरीफ के वो सबसे ज़्यादा लॉ का इतलाक नून लीग के ऊपर होगा। जब आप किसी दूसरे के लिए